अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल कौन सा है, तो आप बोलोगे गोल्ड, डायमंड, कॉपर, मैग्नीस, लिथियम, राइट? बट वॉट इफ आई टोल्ड दैट आयरन ओर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनरल्स फॉर इंडिया? सो अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा हाउ दिस मिनरल इज क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट इन अवर नेशन. आयरन ओर, तो इसकी शुरुआत कैसी हुई एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आयरन ओर वॉज डिस्कवर्ड बिटवीन 5000 टू 3000 BCE, यानी कि लगभग 5 से 7000 साल पहले. उस वक्त मोस्टली लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए करते थे. किसे पता था जिस चीज को वो लोग सिर्फ एनिमल हंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में दुनिया के लाखों करोड़ डॉलर की माइनिंग इंडस्ट्री बन जाएगी. सो इट्स टाइम फॉर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट हाउ दिस माइनिंग इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया. कहानी की एक तरफ, लेट 1890s में एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अपने टेक्सटाइल मिल के ग्रोथ के लिए अब्रॉड जाके नॉलेज इकट्ठा कर रहा था. अब्रॉड जाके ही फाउंड द एक्चुअल इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन ओर. सो उसने इंडिया आके आयरन ओर माइंस को ढूंढना शुरू किया. और कहानी की दूसरी तरफ, 1910 में रायरनपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर गुरुमा सहनी में इंडिया के पहले आयरन ओर माइन की खोज हुई. इस माइन को डेवलप करने के लिए जियोलॉजिस्ट पीएन बोस को अपॉइंट किया गया. पीएन बोस समझ गए थे अगर इस आयरन ओर माइन का इस्तेमाल सही तरीके से हुआ तो भारत का इतिहास बदल जाएगा. इसलिए जियोलॉजिस्ट पीएन बोस ने उस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को एक लेटर लिखा अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ आयरन माइन. और उस लेटर के बाद जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अब तक सिर्फ अपने टेक्सटाइल मिल के ग्रोथ के बारे में सोच रहा था, अब उसे इस आयरन ओर माइंस की मदद से एक स्टील प्लांट बनाने का थॉट आया. जिसके बाद गुरु महासैनी से 90 किलोमीटर दूर साक्षी नामक एक छोटे से गांव में उस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक स्टील प्लांट खोला. और आज के वक्त में वो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट स्टील प्लांट है. शायद आप लोग गेस कर चुके होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ. जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा स्टील. और वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा थे. सो बिकॉज ऑफ दैट आयरन ओर माइंस सच अ ह्यूज कंपनी लाइक टाटा स्टील वॉज फाउंडेड. इंडिया में मोस्टली मैग्नेटाइट, हैमाटाइट, साइडराइट एंड लाइमनाइट टाइप्स ऑफ आयरन ओर मिलते हैं. और इन चारों टाइप्स ऑफ आयरन ओर की वजह से पूरे वर्ल्ड का 20% ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडिया ने 2020 एंड 21 तक 2.6 मिलियन टन ऑफ आयरन ओर प्रोड्यूस किया है. इसकी मार्केट वैल्यू 241 बिलियन रुपीज है. इंडिया में माइनिंग सेक्टर ने काफी सारे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किए हैं. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माइनिंग सेक्टर इंक्लूडिंग आयरन ओर ने डायरेक्टली 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है और इनडायरेक्टली 50 लाख लोगों को भी. और जैसे जैसे माइनिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वैसे वैसे इसके वेयर एंड टेयर इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है. एंड हमारी कंपनी इम्को अलॉयज पिछले 20 सालों से माइनिंग इंडस्ट्री के वेयर एंड टेयर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है. विच मीन्स आपके घर के कंस्ट्रक्शन में यूज हुए आयरन से लेकर स्टील तक में इम्को अलॉयज का कंट्रीब्यूशन है. और अगर आपको हमारे माइनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट पे विजिट करें. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू.